हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देख रहे हो वीके राज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मी कट ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मी कट ऐप क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, सारी डिटेल पे हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले मी कट ऐप को प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इसको जस्ट ओपन करना होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वीडियो एडिटर एंड साइड शो ऐप है। ओके, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। और जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐड देखने को मिल सकता है, तो आप ऐड स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पे मी कट लिख के आ चुका है और इसका लोगो दिख रहा है। तो सबसे पहले लैंग्वेज चूज करने को बोल रहा, तो आप लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा जिस भी लैंग्वेज में इस ऐप को यूज़ करना चाहो। मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छा लगे या आप जिस लैंग्वेज में यूज कर सकते हो उसको चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे एडिट करना है अपने वीडियो या फोटो को, यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, उसके बाद अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, क्रिएट एंड डायरेक्ट, कट, मार्ज। तो यहाँ पे कट मतलब वीडियो कट कर सकते हो, मार्ज वीडियो कई वीडियो मिला सकते हो। अब क्रिएट पर जाते हैं तो यहाँ पर जो आप साइड शो वीडियो बनाना चाहते हो उसको यूज कर सकते हो। तो चलिए हम क्रिएट पर चले जाते हैं और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी होगी, जिस फोटो को आपको एडिट करना है या स्टेटस जो भी बनाते हो साइड शो वीडियो उसमें लाना है। तो आप यहाँ से बहुत सारे फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक ही फ़ोटो कई बार सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरीके से माइनस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर लगभग 7 फ़ोटो है तो इसको मैं एडिट करूँगा और देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है, तो आप देख लीजिए। तो इसी तरीके से आपकी वीडियो भी प्ले होगी, आपका भी फ़ोटो प्ले होगा। लेकिन यहाँ पे आप इसके ट्रांजेक्शन को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं ट्रांजेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो ट्रांजेक्शन है और यहाँ से ये सारे ट्रांजेक्शन है, जो फ़ोटो का आने का स्टाइल रहेगा ये चेंज हो जाएगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से सेकंड वाले ट्रांजेक्शन पर क्लिक किया हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारी फ़ोटो आ रही है। और यहाँ पे देख सकते हो आप चाहे जो भी ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हो, आपकी फ़ोटो उसी स्टाइल में आएगी। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो फ्रेम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा वीडियो का फ्रेम रहेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा फ्रेम। आप देख लीजिए, आप चाहे जो भी फ्रेम यूज कर सकते हो, फ्रेम यूज करने से वीडियो अच्छा लगने लगता है और कुछ नहीं। तो इसके साथ साथ यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, चलिए इफेक्ट पर चले जाते हैं। और इफेक्ट पर जैसे हम क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो वीडियो के ऊपर एक इफेक्ट आ जाता है धुंधला धुंधला सा, तो ये भी अच्छा लगता है, इसको भी लोग यूज करते हैं। तो आप जो भी इफेक्ट आपको पसंद हो यूज कर सकते हो, और यूज नहीं करना चाहते हो तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और यूज नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो टाइम यहाँ पे बढ़ा सकते हो, अपने वीडियो का टाइम बढ़ा सकते हो। टाइम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो 18 सेकंड का 12 सेकंड का था, यहाँ पे 18 सेकंड का हो गया। लेकिन आप जितने ज़्यादा फोटो ऐड करोगे उसी तरीके से टाइम यहाँ पे चेंज होगा। अब म्यूजिक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपनी गैलरी से खुद का म्यूजिक ऐड कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना। बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिल करके आप ऐड म्यूजिक पर जाना है और उसके बाद यहाँ से कोई भी म्यूजिक, अपना खुद का म्यूजिक ऐड कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूं, बस आपको बताने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अब उसके बाद यहां पे फोटो का ऑप्शन है तो फोटो पर क्लिक करते हैं तो यहां से ऐड फोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एडिट फोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ऐड फोटो मतलब आप दोबारा से और फोटो ऐड कर सकते हो, एडिट यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हो, एडिट करके आप नेक्स्ट दूसरा फोटो ऐड कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन यहाँ पर मैं इफेक्ट नहीं यूज किया हूँ, तो इफेक्ट दोबारा से यूज कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो प्ले हो रही है लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे इफेक्ट पे जाता हूँ और इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। अभी हमारा जो वीडियो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जा रहा होगा, आपकी वीडियो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो चलिए इसको सेव करते हैं। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे 12 सेकंड का, तो इसको हम 18 सेकंड का कर लेते हैं क्योंकि वीडियो छोटी हो जा रही है, तो 18 सेकंड का हो गया। टाइम पे जाकर टाइम बढ़ा लेना, उसके बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो है एक्सपोर्ट होना चालू हो चुकी है, ये देख सकते हो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे क्रिएट वीडियो, सेव पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो वीडियो है गैलरी में सेव हो चुकी है। तो है ना आसान दोस्तों, तो चलिए ये गैलरी में सेव हो चुकी है, इसके लिए मैं बैक कर देता हूँ
और यहाँ पे देख सकते हो ये जो कट का ऑप्शन है, आप किसी भी वीडियो को कट कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ से उस वीडियो को आप यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। तो ये कट वाला ऑप्शन हो गया। चलिए इसको हमें नहीं यूज करना, बैक कर देते हैं। अब मार्ज का ऑप्शन है, तो मार्ज में कई वीडियो आप प्लस कर सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4 वीडियो एक साथ मिला सकते हो, उसके बाद आप सेव कर सकते हो नेक्स्ट करके। तो कुछ इसी तरीके से आप मी कट ऐप को यूज कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।